morning, children. How are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your math teacher. Today, I am going to teach a math subject. In math subject, I will teach tick the correct answer. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी children? आज मैं आप लोग को tick the correct answer पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था. Tick the correct answer का मतलब क्या होता है? Tick the correct answer का मतलब होता है, एक question दिया होता है, उसके four option दिए होते हैं. उन four option में से एक option क्या होता है? Right होता है, जिसपे आप लोग को क्या करना रहता है? Tick करना रहता है. Okay? चलिए, सबसे पहले आप लोग को अपनी copy में क्या mention करना है? Class work mention करना है, date डालना है 14/12/2020, heading डालना है tick the correct answer. Tick the correct answer का मतलब मैंने आप लोग को बताया है कि एक क्वेश्चन रहता है, उसके फोर ऑप्शन रहते हैं, फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट रहता है, जिसपे इस तरीके से आप लोग को टिक करना रहता है. इसी तरीके से आप लोग के पीटी सेकंड में और आने वाले एग्जाम में आएगा, उसको आप लोग को सॉल्व करना रहेगा. एक क्वेश्चन रहेगा, उसके फोर ऑप्शन रहेंगे, उन फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट रहता है, जिसपे आप लोग को क्या करना रहता है? टिक करना रहता है. ओके चिल्ड्रन, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद फोर ऑप्शन में देखेंगे कि आंसर है कि नहीं. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टॉलेस्ट एनिमल? टॉलेस्ट एनिमल सबसे कौन सा है? आप लोग बताइए, सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है और सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? आप लोग को पता है कि सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, सेकंड ऑप्शन है कैट, थर्ड ऑप्शन है जीरा, फोर्थ ऑप्शन है एंट. अब आप बताइए, सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? टॉलेस्ट मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना, टॉलेस्ट मतलब होता है लंबा. तो आप बताइए, सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? सबसे लंबा जानवर होता है जिराफ. तो क्या करेंगे? जिराफ पे टिक कर देंगे. ओके, अब इसको रीड करेंगे. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. जिराफ क्या है? सबसे लंबा जानवर है. ओके चिल्ड्रन, सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द लाइटेस्ट? अब इन चारों में से लाइटेस्ट मतलब हल्की चीजें कौन सी है? चलिए फोर ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि इन फोर ऑप्शन में से सबसे हल्की चीजें कौन सी है. फर्स्ट ऑप्शन है वाटरमेलन, सेकंड ऑप्शन है बैलून, थर्ड ऑप्शन है शुगर बैग, फोर्थ ऑप्शन है नन. नन मतलब क्या होता है? इन तीनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तब आप लोग नन पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे. ओके, अब आप लोग बताइए, इन तीनों ऑप्शन में से वाटरमेलन, बैलून और शुगर बैग में सबसे लाइटेस्ट थिंग कौन सी है? सबसे हल्की चीज कौन सी है? बताइए. वेरी गुड, सबसे हल्की चीज है बैलून. तो क्या करेंगे? बैलून पे टिक कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे. बैलून इज द लाइटेस्ट. सबसे हल्की चीज कौन सी है? बैलून है. आप लोग बैलून जानते हैं ना, बैलून का मतलब होता है गुब्बारा. गुब्बारा सबसे हल्का होता है. ओके चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश. सबसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा है साल का? आप लोग बताइए, सबसे छोटा महीना कौन सा होता है साल का? वेरी गुड, फरवरी. अब देखेंगे कि इन फोर ऑप्शन में फरवरी है कि नहीं. फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है फरवरी, थर्ड ऑप्शन है मई, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीस. ऑल ऑफ दीस का मतलब होता है ये तीनों ऑप्शन राइट है, तब आप लोग ऑल ऑफ दीस पे टिक करेंगे. ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग ने अभी क्या बताया है? आप लोग ने बताया है सबसे छोटा महीना होता है साल का फरवरी. तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, इस पे टिक कर देंगे. फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. फरवरी क्या है? शॉर्टेस्ट मंथ है. किसका? साल का. समझ में आया? सबसे छोटा महीना है. क्वेश्चन नंबर फोर है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ शेप ओ एन ई सी. अब यहाँ पे देखिए, ओ एन ई सी दिया है, उल्टा सीधा दिया है ना, इसको रीअरेंज करना है, मतलब इसको सही क्रम में लगाना है और उससे क्या बनाना है? उससे आपको एक शेप बनाना है. ओके, शेप की स्पेलिंग को क्या करना है? बनाना है. अब आप लोग बताइए, इससे कौन सी शेप की स्पेलिंग बनेगी? चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है सी ओ एन ई कोन, सेकेंड ऑप्शन है सी यू बी ई क्यूब, थर्ड ऑप्शन है ओ एन सी ई वर्ल्ड, फोर्थ ऑप्शन है नन. अब आप लोग बताइए, कौन सा शेप बन रहा है इस स्पेलिंग से? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सी भी है,
भी है, तो इससे क्या बन गया, कौन बन गया, तो क्या करेंगे इस पे टिक कर देंगे कौन। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को शेप का नेम बनाना था इसलिए वंस ऑप्शन राइट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है क्योंकि कौन क्या होता है, एक शेप का नाम है। ओके चिल्ड्रन, फिफ्थ क्वेश्चन है वन डे हैज डैश आवर्स। अब आप लोग बताइए वन डे मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स जब कंप्लीट होता है तब क्या कंप्लीट होता है, वन डे पूरा कंप्लीट होता है। ऑप्शन में देखेंगे कि 24 है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 32, फोर्थ ऑप्शन है नन, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा सेकंड, इस पे क्या कर देंगे टिक। अब इसको रीड करेंगे, वन डे हैज 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं मतलब 24 घंटे होते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये क्लास वर्क आप लोग को एकदम नीट एंड क्लीन वे में अपनी कॉपी में लिखना है, पढ़ना है, समझना है, और जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं। सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया है उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को होमवर्क देंगे, तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 14/12/2020, हेडिंग डालना है सेम एज क्लास वर्क, जो मैंने अभी आप लोग को क्लास वर्क में कराया है वही आप लोग को फिर से एक बार अपनी कॉपी में रिपीट करना है, उसको लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन, सेकेंड होमवर्क है लर्न एंड राइट द शेप्स नेम। अब आप लोग को यहाँ क्या करना है, लर्न करना है, क्या लर्न करना है, शेप्स के नेम लर्न करना है, जो सारे शेप्स यहाँ पे बने हुए हैं उसके स्पेलिंग को लर्न करना है, फिर उसके बाद उसको राइट करना है, सेकेंड होमवर्क में ये करना है। ओके चिल्ड्रन, और जितनी भी चीजें अब आपको पढ़ाई जाती है उसको डेली रिवाइज किया करिए, रिवाइज करने से सारी चीजें आप लोग को लर्न रहेगी, जब भी टेस्ट या पेपर होगा उसमें आप लोग को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी चीजें आप लोग को समझ में नहीं आती आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं कि मैम ये सारी चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है। वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।